और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आज बीकानेर हाउस का निरीक्षण किया। बीकानेर हाउस की हालत देखकर गहलोत ने नाराजगी जाहिर की और जर्जर अवस्था में सरकारी कार्यालयों को देखकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और खासकर पीआरओ और पर्यटन विभाग के ऑफिस को देखकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सीएम ने कमरे में जाकर अवस्था देखी और कहा कि ऐसे जर्जर ऑफिस में आखिर कौन पर्यटक आना चाहेगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आज सीएम अशोक गहलोत ने जमकर फटकार लगाई। पुरानी बिल्डिंग को उसका फेसलिफ्ट भी किया गया है और आर्ट गैलरी डेवलप हो रही है। राजस्थान संबंधित जो फूड है या अन्य चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। कुछ राजस्थानी फूड की शॉप भी बनाई गई है। तो इस प्रकार से नए रूप में इसको डेवलप किया गया है। दिल्ली के लोगों को इस नए प्रयोग को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। पर हमारे जो ऑफिशियल हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं देखना आया हूँ कि जो हमारे खुद के स्टाफ हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे हल करें। उनके बैटिंग सुविधाएँ हैं या अन्य जो इतना स्टाफ बैठा हुआ है वो देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बराबर रेगुलर आ रहे हैं देश के विदेश के, और राजस्थान को एक प्रकार से पहचानने के लिए समझने के लिए एक मौका मिलता है तो उसको पसंद देना चाहिए। सही गतिविधि नहीं है, तो प्रॉफिट कमाने वाली गतिविधि नहीं है। इसके जो इनकम होगी वो इसी के डेवलपमेंट में लगेगी। अलग सोसाइटी बनाई गई है, उस पर काम